हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। इरफान खान का शव अस्पताल से कब्रिस्तान ले जाया जा चुका है। बॉलीवुड डायरेक्टर इरफान, जो कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर को मात दे पाए और आखिरकार एक खतरनाक बीमारी ने उन्हें हम लोगों से हमेशा के लिए छीन लिया, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके अंतिम संस्कार को लेकर बंदोबस्त कड़े हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सभी एक्टर और इंडस्ट्री के लोगों को वहां तक पहुंचने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। उनकी अंतिम यात्रा में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त है। आपको बताना चाहेंगे कि इरफान का निधन आज बुधवार 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ और उन्हें खोने के गम की वजह से पूरे देश में शोक की लहर है। एक्टर के पार्थिव शरीर को सुपुत्र एक खाक किया जाएगा। उन्हें अंधेरी के यारी रोड वर्सोवा कब्रिस्तान में दफनाया जाने को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि बेहद ही सीमित लोगों की उपस्थिति में इरफान का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस मौके पर मीडिया की भीड़ पर भी मुंबई पुलिस की तगड़ी निगरानी है। कोरोना को लेकर भीड़ से बचने को लेकर मुंबई पुलिस की तैयारी शुरू हो चुकी है। इरफान के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की, मीडिया की और इंडस्ट्री के बाकी लोगों की उपस्थिति को लेकर मुंबई पुलिस की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।